नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन और आप देख रहे हैं हमारा चुनावी कार्यक्रम यूपी का एक्स फैक्टर। आज बात करेंगे यूपी में मुसलमानों के एक्स फैक्टर की, जिसे लेकर खुद अखिलेश यादव फूक फूक कर अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुसलमानों को लेकर जितना बच बच कर रणनीति बना रहे हैं, वो खुद मुसलमानों को भी हैरान कर रहा है। इसका एग्जाम्पल है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जिला, जहां मुसलमानों की आबादी करीब 40% है। यानी मुजफ्फरनगर से मुसलमान जिसे चाहें उसे जिता सकते हैं। अखिलेश भी इस बात को बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, खासतौर से तब जबकि आरएलडी के साथ मिलने के बाद जाट वोटों पर भी गठबंधन अपना दावा कर रहा है। लेकिन अखिलेश ने मुजफ्फरनगर में एक भी मुसलमान को चुनावी मैदान में नहीं उतार कर हर किसी को हैरान कर दिया। क्या अखिलेश को यह डर सता रहा है कि मुजफ्फरनगर से निकला मैसेज वोटों का ध्रुवीकरण कर सकता है? आज इसी पर होगी बात। पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो सात पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, लेकिन भरपाई नहीं होगी, क्योंकि ठोको राज चल रहा है। ठोको राज में पता ही नहीं है कौन किसको ठोक दे। मैं इस पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को कभी मानता नहीं था, ना हूं ना कभी रहूंगा। हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको। 6 की 6 सीटों में पहली बार आजादी के बाद ऐसा हुआ है कि किसी भी मुस्लिम को यहाँ पर टिकट नहीं दिया गया है। यहाँ कम्युनल इलेक्शन ना हो जाए, उन्होंने ठीक किया है। 45% मुस्लिमों की आबादी है, उसको दरकिनार करा गया है। गठबंधन ने किसी को आज इस बार मुजफ्फरनगर में नहीं दिया, क्योंकि वजह ये रही कि हम लोगों को भी अपना वजूद समझना पड़ेगा। मुजफ्फरनगर और मेरठ के मुसलमानों की आवाज क्या वाकई चुनावों में कोई बड़ा खेला करने वाली है? गठबंधन ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। अखिलेश यादव ने, आपने देखा कि आजम खान जैसे लीडर्स का खात्मा किया, इमरान मसूद की क्या दुर्गति कर दी। क्या पश्चिमी यूपी में अखिलेश जिस मुस्लिम और जाट फैक्टर की बदौलत लखनऊ का सपना देख रहे हैं, उस समीकरण में क्या खुद मुसलमान खुद को सेट नहीं कर पा रहे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अखिलेश ने मुजफ्फरनगर जिले में जो नई चुनावी रणनीति अपनाई है, उससे खुद मुस्लिम वोटर भी हैरान है। मुजफ्फरनगर में मुसलमानों की आबादी करीब 38 से 40% है। बावजूद इसके मुजफ्फरनगर की 6 सीटों में से गठबंधन ने जो 5 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, उनमें से एक भी मुसलमान नहीं है। एसपी और आरएलडी दोनों ने ही 6 में से 5 सीटों पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू उम्मीदवारों को ही टिकट दिए हैं। गठबंधन उम्मीदवारों को लेकर हैरानी इसलिए भी हो रही है क्योंकि एसपी और आरएलडी के गठबंधन का बेस वोटर मुस्लिम और जाट मतदाता ही हैं। ये दोनों वोट बैंक अगर आपस में मिले तो गठबंधन के लिए इस इलाके में विनिंग फैक्टर साबित होने से कोई नहीं रोक सकता। बावजूद इसके अखिलेश मुसलमान कैंडिडेट से किनारा क्यों कर रहे हैं, अब उसकी वजह समझिए। साल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जाटों के मन में मुसलमानों को लेकर जो खाई बनी थी, वो अब तक भर नहीं पाई। अखिलेश ने 2017 के चुनाव में मुजफ्फरनगर में मुस्लिम उम्मीदवारों पर दाव लगाया था, लेकिन वो फेल साबित हुआ। पिछले चुनावों में मुस्लिम प्रत्याशियों की उपस्थिति तो दमदार थी, लेकिन बीजेपी के मुजफ्फरनगर की सभी 6 सीटों पर जीतने के कारण कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं जीत पाया। अखिलेश को डर है कि कहीं इस बार भी अगर गठबंधन की ओर से मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए तो हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है। अब सवाल है कि क्या योगी आदित्यनाथ जिस 80-20 वाले विनिंग फैक्टर की बात कर रहे थे, उस फैक्टर का फियर अखिलेश के जहन में घर करने लगा है? अगर ऐसा नहीं होता तो अखिलेश सहारनपुर से इमरान मसूद को टिकट देने से इनकार नहीं करते। यही नहीं, मुस्लिम परस्त छवि से बाहर निकलने के लिए अखिलेश ने मुस्लिम आबादी वाले पश्चिमी यूपी की तमाम सीटों को आरएलडी के खाते में दे दी। पहले चरण की टिकटों को देखें तो मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद जैसे जिले में एसपी और आरएलडी ने एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं दिए हैं, जबकि यहां पर मुस्लिम वोटर काफी अहम है। दूसरों के पैर पकड़वा रहे हैं, तुम मुसलमान मुसलमान सीधे हो जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे हैं? सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे, पैर पकड़वा दिए। इमरान मसूद पश्चिमी यूपी में एक बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। अगर इमरान मसूद एसपी के टिकट पर चुनाव में उतरते हैं तो इसका असर आसपास की 4 से 5 सीटों पर होता है, लेकिन अखिलेश ने इमरान मसूद को लेकर कोई मुस्लिम ध्रुवीकरण वाला रिस्क नहीं लिया। तो आपने देखा कि आखिर
जो मुस्लिम आबादी है उससे अभी बच बच कर चलते हुए अखिलेश यादव कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर में रणनीति अपनी उन्होंने बदल दी है, लेकिन मुस्लिम आबादी जो है उत्तर प्रदेश में वो कितनी सीटों पर हार या जीत का फैसला कर सकते हैं ये हम आपको बताएंगे। अखिलेश यादव के लिए मुस्लिम वोट जरूरी है, मुस्लिमों से दूरी बनाने की मजबूरी जो दोनों साथ साथ ये चल रही है, इसके पीछे का बड़ा फैक्टर क्या है? बड़ा फैक्टर ये है कि यूपी के कई सीटों पर मुसलमानों को वोट जीत की गारंटी बनता है, तो दूसरी ओर मुस्लिम परस्त की छवि ऐसी सीटों पर नुकसान भी पहुंचा सकती है जहां मुसलमानों का वोट कम है, या फिर उन सीटों पर जहां पर मुसलमानों के वोट बिखर जाएं। ऐसी सूरत में सीधा साधा जो फायदा है वो बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई देता है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि यूपी में मुसलमानों का एग्जैक्ट फिगर क्या है जो उन्हें सियासी पार्टियों के लिए जरूरी और उनकी मजबूरी दोनों बनाता है। यूपी की 403 विधानसभा की सीटें हैं, 3 सीटें इसमें से ऐसी है जहां मुस्लिम आबादी करीब 40% है, और इन सीटों पर अगर मुस्लिम वोट एक तरफा पड़ जाए तो किसी भी पार्टी के लिए जीत की गारंटी बन जाता है। इसके अलावा यूपी में विधानसभा की 43 सीटें ऐसी है जहां 30 से 39% मुस्लिम वोटर है, ये भी मुसलमानों की निर्णायक स्थिति दिखाता है। हालांकि 30 से 39% मुस्लिम मतदाताओं वाली 43 सीटों पर पिछली बार अखिलेश यादव को सिर्फ एक सीट मिली जबकि बीजेपी को 42 सीटें हासिल हुई थी। जाहिर है जहां पर मुस्लिमों का ध्रुवीकरण बीजेपी विरोधी पार्टियों के लिए घाटे का सौदा साबित हुआ। इसके अलावा यूपी में 70 सीटें ऐसी है जहां मुस्लिमों की आबादी 30 से 29% है, ये भी एक निर्णायक वोट है, और इसमें दूसरा कास्ट समीकरण जुड़ जाए। इसके अलावा यूपी में 260 सीटें ऐसी है जहां मुसलमानों की आबादी 20% से कम है, यानी इन सीटों पर भी दूसरे कास्ट समीकरण के बिना मुस्लिम वोट आपको जीत की गारंटी नहीं दिला सकते। तो देखिए पिछले यानी कि 2017 के चुनाव में मुसलमानों के वोटिंग ट्रेंड पर अगर गौर करें तो 2017 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 45% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी के लिए वोट डाला था, जबकि 19% मुस्लिम वोट बीएसपी के खाते में गए थे। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि पिछले विधानसभा के चुनाव में करीब 5% मुसलमानों ने बीजेपी के लिए वोट किया था, यानी कि पिछले चुनाव में भी मुसलमान वोट इंटैक्ट नहीं था, जिसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ा और इसका फायदा जो हुआ वो सीधे बीजेपी के खाते में गया, यानी कि फायदा बीजेपी को हुआ। बीजेपी को इसका फायदा कैसे मिला, अब वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए मुसलमानों का वोट अपनी ओर खींचने के चक्कर में वोटों का जो ध्रुवीकरण है वो हुआ है, और इसका जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो समाजवादी पार्टी को हुआ है। 2017 के वोटिंग ट्रेंड के अनुसार पिछले विधानसभा चुनाव में अखिलेश की समाजवादी पार्टी को हिंदुओं का वोट सिर्फ 17% मिला, जबकि बीएसपी को 23% हिंदुओं के वोट गए, और सबसे बड़ा पार्टी बनकर उभरी बीजेपी को इस ध्रुवीकरण का सबसे ज्यादा और बड़ा फायदा निकलकर सामने आया, उसे करीब 47% हिंदुओं ने वोट किया। तो वोटिंग ट्रेंड सीधे आपके सामने। तो देखिए अखिलेश यादव के लिए यही सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होगा, और अखिलेश नहीं चाहते कि चुनाव में उनकी मुसलमान परस्त की छवि बने और उसका खामियाजा उन्हें गैर मुस्लिम वोट के नुकसान के तौर पर झेलना पड़े। अखिलेश के सामने 2017 का उदाहरण है। इस रिस्क फैक्टर के पीछे है 2017 का चुनावी नतीजा, जिसे देखते हुए अखिलेश 2017 की गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहते, क्योंकि अखिलेश को मुस्लिम वोट बैंक के चलते जितना फायदा हुआ उससे कहीं ज्यादा उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। कैसे, अब उसे समझिए। 2017 के चुनाव में यूपी की जिन 30 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की आबादी करीब 40% थी, उन 30 में से एसपी को 14 सीटें हासिल हुई, जबकि बीजेपी को 12, कांग्रेस को 2 और बीएसपी को 1। लेकिन यूपी के जिन 43 सीटों पर मुसलमानों की आबादी 30 से 39% के बीच थी, उन 43 में से एसपी सिर्फ एक सीट जीतने में कामयाब हुई थी, जबकि बीजेपी को 43 सीटों में से 42 सीटें हासिल हुई थी, जबकि 43 सीटों पर कांग्रेस और बीएसपी का खाता तक नहीं खुला था। मतलब ये कि जहां जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक स्थिति में थे, जीत और हार डिसाइड करने वाली पोजीशन में थे, उन्हीं सीटों पर अखिलेश को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और बीजेपी को सबसे बड़ा फायदा। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा, 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा, और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी, बीजेपी फिर सबका साथ सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। मुजफ्फरनगर में मुसलमानों को टिकट से दूर रखने की अखिलेश जयंत की रणनीति खुद समुदाय के लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। इलाके के बड़े मुस्लिम कादिर राणा
मुर्सलीन राणा और लियाकत अली जैसे कई मुस्लिम नेता चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन इन्हें टिकट नहीं दिए जाने से मुसलमान खुद को एसपी से ही उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा कि योगी को वोट मिलेगा? मिलेगा। योगी को खाला पार से वोट मिलेगा? मिलेगा पक्का। हाँ? खाला पार से तो हर चुनाव में मिलता है ना। अच्छा? बीजेपी को हर चुनाव में 4-5% वोट मिलता है। लेकिन वो तो कह रहा कि एक नहीं मिला, ये तो कह रहा नहीं नहीं गलत, एक नहीं मिला। नहीं नहीं, बहुत वोट मिलेगा उसको, जो है जो गुंडागर्दी पर लगाम लगाई है और गठबंधन ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। 6 की 6 सीटों में पहली बार आज़ादी के बाद ऐसा हुआ है कि किसी भी मुस्लिम को यहाँ पर टिकट नहीं दिया गया है, जबकि मुस्लिमों की यहाँ 60% से 45% मुस्लिमों की आबादी है, उसको दरकिनार करा गया है। तो मुस्लिमों में कहीं ना कहीं आक्रोश भी है। आक्रोश है जी, जाके योगी को दे देगा गुस्से में, या तो वो वोट नहीं करेगा या फिर वो अपना आक्रोश जाहिर करेगा। आपको लग रहा क्यों नहीं दिया टिकट इस बार? वो टिकट देखिए, एक मुजफ्फरनगर जिला है, ये कम्युनल हिसाब से उन्होंने जो गठबंधन के नेता हैं उन्होंने इसे पे मौजू पे इसे रखते हुए कि भाई यहाँ कम्युनल इलेक्शन ना हो जाए, उन्होंने ठीक किया है। आगे को एडजस्ट कर लेंगे जहाँ भी होगा इन्हें नेताओं को। चलिए आगे एडजस्ट किया जाएगा। खाला पार की राय आपने सुन ली। मुजफ्फरनगर का ये सबसे ज़्यादा इस तरह का इलाका है जहाँ से अल्पसंख्यक वोट तय करते हैं कि आखिर मुजफ्फरनगर इस बार किस तरफ जाएगा। चुनाव को लेकर मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी पिछले 2 साल से जाट और मुस्लिम एकता की कोशिशों में जुटे थे। 2 साल से दोनों समुदायों के बीच भाईचारा कमेटी की बातें हो रही थी। खुद जयंत कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में जाट मुस्लिम एकता की दुहाई दे रहे थे, लेकिन चुनाव का वक्त आया तो अखिलेश और जयंत ने मुस्लिम चेहरों को नो कह दिया। गठबंधन ने एक भी वोट इस बार नहीं दिया सीट आपके यहाँ मुस्लिम। देखिए, गठबंधन ने किसी को आज इस बार मुजफ्फरनगर में नहीं दिया, क्योंकि वजह ये रही कि हम लोगों को भी अपना वजूद समझना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने, आपने देखा कि आजम खान जैसे लीडर्स का खात्मा किया, इमरान मसूद की क्या दुर्गति कर दी। आज ये चीज़ें हमारी कम्युनिटी को, खासतौर से मुसलमानों को समझनी पड़ेगी। और अखिलेश यादव भी ये खास तौर से सुन लें कि ना मुस्लिम लीडरशिप ख़त्म हुई थी ना मुस्लिम लीडरशिप ख़त्म होगी, क्योंकि चरथावल में जो चुनाव है वो समाजवादी से हमारा नहीं है। जो चुनाव होगा वो बीजेपी वर्सेज बसपा चुनाव है यहाँ, क्योंकि ये बसपा की सीट रही, यहाँ कभी समाजवादी नहीं जीती ये सीट। पश्चिम यूपी में मुस्लिम और जाट वोटर दोधारी तलवार की तरह हैं, यानी निशाना सटीक लगा तो दुश्मन का काम तमाम, लेकिन अगर चूक गए तो खुद का खेल खत्म। इसीलिए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जाट और मुस्लिम बहुल इलाकों में एक एक सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार की टिकट फूक फूक कर दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर में मुसलमानों को लेकर अखिलेश की इसी कश्मकश का बीएसपी और ओवैसी अपने प्रॉफिट गेन के तौर पर देख रहे हैं। बीएसपी ने एक बार फिर अपने 2012 के फॉर्मूले पर अमल करते हुए मुजफ्फरनगर जिले की 6 में से 3 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि बाकी की 3 सीटों पर हिंदुओं को उम्मीदवारी दी है। अपने इसी समीकरण की बदौलत 2012 के चुनाव में बीएसपी ने मुजफ्फरनगर की 6 में से 3 सीटें जीती थी। हालांकि इस बार मुजफ्फरनगर समेत पूरे पश्चिमी यूपी में ओवैसी फैक्टर भी अपनी जगह तलाश रहा है, और अगर उसे थोड़ी बहुत भी जगह मिली और अगर मुजफ्फरनगर का इफेक्ट आसपास के मुस्लिम बहुल जिलों पर पड़ा तो मुस्लिम वोट भी कटेगा और मुसलमानों का वोट बैंक भी बटेगा, जिसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है। जो इलेक्शन होगा यहाँ बसपा प्लस वर्सेस बीजेपी इलेक्शन है, और किसी का अगर कोई वोट देना भी है तो वो अपना वोट खराब करना है, कि उससे कोई फायदा नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी भी समझ रही है कि ये लोग जो खड़े हैं समाजवादी का चेहरा पोड़ के, अगर अखिलेश यादव सोचते हैं कि ये इन्हें अपनी पार्टी में ज्वाइन करके इनकी जो कमियां रही, जो इन्होंने पिछले बार मुसलमानों के साथ ज्यादतियाँ की जाट बिरादरी ने, और ख़ासतौर से हरिंदर मलिक ने, उसे अगर भूल जाएंगे, ये उनकी गलत फहमी है। मुसलमानों की जो मस्जिदें बंद हैं आज भी, वो दर्द उनके दिल में है, वो ख़त्म नहीं होने वाला। उनके कैंडिडेट से कहिए अगर वो डिक्लेयर कर दें कि मस्जिदें जो हमारी बंद है अगर वो खोल सकते हो तो हम बात करें वो स्टेज पे आके। सपा ने अब तक काम जो करा है वो सिर्फ मुसलमानों को ठगने का काम करा है। अच्छा। हम सलमान भाई की बात से फुल सहमत है 100% जी, अब तक ठगती आ रही है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं गया, तो ये ठगने का ही काम है और क्या है जी। क्या इस जिला मुजफ्फरनगर के अंदर कोई मुसलमान कैंडिडेट नहीं मिला था समाजवादी पार्टी को? क्या वोट देने के लिए मुसलमान रह गया है? आप बताओ। जैसे कि किसान का मुद्दा था, हम किसान हैं,
किसानी से आते हैं और हमने बॉर्डर पे भी काम किया है और हमने सभी क्षेत्र में काम किया है। हमारी 100 साल की राजनीति खत्म करने के लिए अखिलेश ने ये चाल चली है, इस चाल को हम कामयाब नहीं होने देंगे। कामयाब नहीं होने देंगे, एक जगह पर थे काका, आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं किसको दे रहे वोट। वोट तो हाथी को दे रहे जी फिलहाल। पक्का कह रहे हैं इंशाल्लाह हाथी जीतेगा, इंशाल्लाह हाथी। वो कह रहे कि नहीं सारे वोट सपा के साथ। नहीं, मायावती मुख्यमंत्री बनेगी, बहन जी के साथ है सब। अब मुजफ्फरनगर के बाद समाजवादी पार्टी ने मेरठ में मुस्लिम और जाट फैक्टर को साधने की रणनीति बनाई है। अब वो समझिए, मेरठ में जाटों की संख्या ज्यादा है, बावजूद इसके अखिलेश ने नया समीकरण बनाते हुए यहाँ की 7 में से 3 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। मेरठ में मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारे जाने से यहाँ के जाटों में जबरदस्त नाराजगी नजर आ रही है। इतनी ताकतवर सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ जब लड़ाई लड़ने का विषय था तो हम खड़े हुए, हम लड़े, हमें किसी ने किसी की सभा में बुलाया नहीं, हम अपने पैसा खर्च करके गए। और आज जब हिस्सेदारी की बात आई तो हमें दरकिनार कर दिया गया और प्रमुखता से उस बड़े दल ने दरकिनार किया जो अपनी सत्ता के आने का दम भर रहा है। अगर जाट समाज को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो इसका खामियाजा गठबंधन को भुगतना पड़ेगा। मेरठ जिले में 5 के 5 सीट उन्होंने अपने लिए ले ली, जो एक सीट ऐसी है जहां हमेशा ज्यादातर हमारे लोगों का कैंडिडेट जीता, हमारी पार्टी का कैंडिडेट जीता, पूर्व में चाहे हमारी पार्टी का कुछ भी नाम रहा हो उसमें भी हमें नजरअंदाज किया गया। तो जो कार्यकर्ता है वो हमारे नेतृत्व की वजह से नहीं, जमीनी लेवल का जो कार्यकर्ता है, जिन लोगों ने पिछले 5 साल संघर्ष किया, डंडे खाए, मुकदमे हुए, जिन पे जो जेल गए, गोलियां खाई, वो ठगा महसूस कर रहा है। चुनावी समर में अखिलेश यादव इस कोशिश में हैं कि वो किसी भी तरह बीजेपी के मुस्लिम नैरेटिव में ना फंसें, लेकिन अखिलेश की ये कोशिश खुद मुसलमानों के मन में सवाल खड़े कर रही है। समाजवादी पार्टी जहां थी 2014 में आरोप तो वहीं पर आकर ठिठक गई, वहीं पर आकर रुक गई, तो इसीलिए आपने ओबीसी जी को 100 सीटों पर लड़ने के लिए बुला लिया, अपनी बी टीम को बुला लिया, मुस्लिम वोट बैंक में सेधमारी के लिए बुला लिया। जब आगे चल करके श्री अखिलेश यादव जी स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं कि चुनाव 10 मार्च को जब समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा, इस गठबंधन का सूपड़ा साफ हो जाएगा तो क्या बयान देना है, तो इस प्रकार के बयान देने का काम वो करेंगे कि इस कारण से हम हार गए। हार तो जनता की नजर में उसी दिन गए जब आप दंगाइयों, गुंडों, माफियाओं, अपराधियों के संरक्षक बन गए। SPRLT गठबंधन ने 29 में से 9 उम्मीदवारी मुसलमानों को दी है, जबकि बीजेपी की अब तक आई 107 उम्मीदवारों की लिस्ट में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। जाहिर है बीजेपी अभी से ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि अब की चुनाव 80-20 होने वाला है, लेकिन इस 80 के समीकरण में कौन होगा और 20 वाले समीकरण में कौन, ये 10 मार्च को आने वाले चुनावी नतीजे तय करेंगे। मुजफ्फरनगर से धीरेन्द्र पुंडीर के साथ टीम न्यूज़ नेशन।